So now we are so tired, but we are back in Rancho Cucamonga and मुझे कभी सोचा ही नहीं था कि हॉलीवुड साइन आके इन पर्सन ऐसे देखूंगी. इतनी मेरे स्कूल के पास था और मैं आज तक नहीं आई. मुझे पहली बार मिला. मुझे पता है मेरी वीडियो बन रही है. मैं नहीं वाला, बट देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. Welcome back to another video from Simple Simi in California. You guys must be wondering why I am dressed in these Indian clothes today. It's because Harleen ke aaj paath rakha hai unhone and hum main ja rahi hu Walnut Gurdwara, which is in LA. Since main wahan Walnut Gurdwara ja rahi hu, so I thought ki why not go and explore LA also, because it's been so long ki main LA gayi nahi. तो लॉस एंजलिस में पढ़ी, मैं वहाँ पे पढ़ी भी थी, बट इतना टाइम हो गया कि वहाँ पे कुछ देखा ही नहीं. अब पहले कैसा है, काफ़ी टाइम हो गया, साल तो मिनिमम हो गया. तो इसलिए आई थॉट कि पहले जाते हैं गुरुद्वारा, फिर एले घूमने जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो एंड सी कि एले में हम कौन से स्पॉट्स एक्सप्लोर करेंगे. आई विल सी यू. So we are done with the darshan and we had a very good lunch here. And now I'm gonna quickly go and change my clothes. So we are all set for Griffith Observatory, and that's it. वेरी फेमस बिकॉज आपको यहाँ से हॉलीवुड साइन भी दिखता है, जो कि राइट बिहाइंड मी है वो हॉलीवुड साइन, और वहाँ पे पैसिफिक ओशियन है जो वो भी दिखता है. यहाँ पे साइंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. मैं यहाँ पे दो बार आने का ट्राई किया था, बट भीड़ देख के भाग गई. तो आफ्टर सो लॉन्ग, 3 साल कैलिफोर्निया में बिताने के बाद मैं फाइनली यहाँ पे. तो 2-3 बारी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हॉलीवुड साइन का जो डी है या कभी एच है कोई ना कोई उठा के ले जाता था, चोरी कर लेता था. और आज ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि एक्चुअल में जब जो चीज़ें पढ़ती थी वो आज एक्चुअल में देख सकती हूँ. ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि हॉलीवुड साइन आके इन पर्सन ऐसे देखूंगी, और इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके. कि बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि यहाँ का एडमिशन फीस कुछ है ही नहीं. यू जस्ट हैव टू पे फॉर द पार्किंग विच इज़ लाइक $10 एन आवर. बाकी द एडमिशन फीस एंड सब कुछ फ्री है, विच इज़ वेरी रेयर इन एलए. एलए में हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. After spending half an hour of just clicking our pictures, finally we are going inside the Griffith Observatory. For the entry, you need your 1 photo ID and your vaccination certification. That's mandatory. Thank you.
for those who wonder why this observatory was made in California, one of the biggest observatories, it's because we have clear skies here and it has the mountain range, which makes it easier for astronomers to observe the cosmos. So that is why we have it here. इतना अच्छा है और सिटी लाइट्स इतनी प्यारी लग रही है, मेरे को हमेशा से सिटी लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं और ये इतना प्यारा लग रहा है कि ऐसे मन कर रहा है कि वापस जाओ ही ना। ऑब्जर्वेटरी में शो देखा, बहुत अच्छा था। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है एंड हमने सब कुछ ऑलमोस्ट देख लिया है। अब यहाँ से बहुत पास में लैक्मा लाइट्स है, वैसे इतनी पास भी नहीं है, अराउंड 20 मिनट्स तो है, वो देखने जाएंगे बिकॉज वो रात को बहुत अच्छी लगती है एंड मैं हमेशा से वो देखना चाहती थी। गाइज, दिस इज लैक्मा अर्बन लाइट्स। ये मेरे स्कूल के इतने पास था जब मैं लॉस एंजेलिस सिटी कॉलेज पढ़ती थी, बट आई कैंट बिलीव मैं एक बारी भी नहीं आई। और आई थिंक अगर आप लोग एलए में हो तो ज़रूर यहाँ आना, बिकॉज यहाँ पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, दिखने में भी बहुत अच्छा है एंड बहुत ट्रेंडी प्लेस भी है, तो यहाँ ज़रूर पे आना। एंड आज का दिन पूरा ही बहुत अच्छा रहा। इसके बाद वी विल गो हैव डिनर एंड मोस्टली टू गो प्लेस, बिकॉज लेट होने वाला है, इवनिंग ऑलरेडी हो गई है, तो इसके बाद घर जाएंगे और कल मंडे है, फिर स्कूल शुरू हो रहा है, तो इसलिए आज के लिए इतना आई थिंक काफ़ी था। Guys, now we are back in Rancho Cucamonga after a really long day. We are very tired, but it's my sister's birthday today and I just wanted to celebrate her birthday somehow. So I got Krispy Kreme donuts and it's just like a meetha for her birthday. So happy birthday Mithu Didi, we love you. Okay guys, end to this vlog. It was such a tiring and long day, but it was all worth it because it was such a great day. It was so fun. Of course, I missed my sister a lot today because it was her birthday, as I told you before. And I can't believe that I just started with one subscriber and now we are a family of 700 plus subscribers. It just feels like a nostalgia to me today. So I really hope that if you have watched the video till here, you will definitely hit that subscribe button. And if you haven't subscribed it yet, please go ahead and subscribe it, share it with your family and friends. And I'll see you in the next video. Happy New Year, and may this new year bring lots of peace and prosperity in your life. I'll see you in the next video. Bye.